नमस्कार। एक्झोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। और आज हमारे साथ है तुषारिका राजगुरु, जो सूरत की वो लड़की है, और लड़की बोल सकते हैं क्योंकि छोटी है, इसलिए मैं उसको लड़की बोल रही हूँ। तुषारिका राजगुरु वो अभी एक एक्टर है, लेकिन उनकी जो लाइफ जर्नी है, एक्टर बनने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। और तुषारिका आज एक सक्सेसफुल, मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी और जानी मानी एक्टर है सूरत की। तो तुषारिका, आपका स्वागत है, और विश्व महिला दिन की आपको टी कुशाल भाई ज्वेलर्स और एक्सोटिक परिवार की ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, दिस इज ब्यूटीफुल, थैंक यू। अभी आगे बात करते हैं तुषारिका से, और तुषारिका हम जानना चाहेंगे कि आपने एक्टर बनना क्यों चाहा और उससे पहले आप क्या थी। हेलो, थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे बुलाया। मैं आपकी शहर की ही हूँ, और अपने शहर में जब रिकग्निशन मिलता है तो उसकी खुशी ज़्यादा ही होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। एक्टर बनने से पहले मैं क्या थी, मैंने एक्टिंग की जर्नी बहुत ही पहले शुरू कर दी थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, छोटी थी, उम्र रही होगी यही कुछ 11-12 साल की, तब पहले मैं डांसर थी। तो सूरत में एक लोकल डांस शो हुआ करता था, बुगी उगी टाइप का, जिसमें मैंने परफॉर्मेंस किया था, कंपटीशन में पार्ट लिया था, जिसमें अराउंड 500 पार्टिसिपेंट्स थे, और वो थैंकफुली आई वन, मुझे बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला उसमें। तो उसमें जो जज थे वो थे जसवंत गांगाणी जी, जो कि सूरत के ही एक बहुत बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया और बुलाया एक स्क्रीन टेस्ट के लिए जी। वो स्क्रीन टेस्ट था एक गुजराती फिल्म के लिए, जिसका नाम है मैयर माँ मनडू नथी लागतो। तो सूरत की सूरत का ही प्रोडक्ट था, पर गुजराती फिल्मों में इस फिल्म ने हिस्ट्री बनाई है। सुपर डुपर 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 हिट रही है, गोल्डन जुबली की है इस फिल्म ने। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने इस फिल्म का नाम नहीं सुना होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि गुजराती हम आपके हैं कौन है, ये फुल फैमिली एंटरटेनर था। तो दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपेडिशन एज एन एक्टर। तो डांसर से एक्टिंग की जर्नी यहाँ पे ही शुरू हो गई थी बहुत बचपन में। जी, और फर्स्ट ही फिल्म में काम किया और फर्स्ट ही फिल्म है हिट हो गई। हाँ, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल। और ना सिर्फ हिट, मतलब कि अभी तो मुझे एक्टर बनना। हाँ जी, तो आपने मुझे पूछा कि आपको कब पता चला कि आप पहले क्या थे। तो मुझे नहीं पता कि मैं पहले क्या थी, क्योंकि पहले से ही मैं हमेशा एक्टिंग करना ही चाहती थी। तो शायद मैं डांस भी इसलिए करती थी क्योंकि आई वॉज रियली गुड एट एक्सप्रेशन, एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ जी। फिर पता चला कि अच्छा, एक्टिंग भी ऐसी कोई चीज़ है। फिर मुझे लगा कि मुझे तो लाइफ टाइम यही करना है, क्योंकि जब आप कैमरा के सामने होते हैं। तो मैंने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, पहली फिल्म में जो रावण बनते हैं रामायण में, अरविंद त्रिवेदी वो मेरे दादा के रोल में थे, हितेन कुमार वॉज द हीरो, द लीड ऑफ द फिल्म, आनंदी त्रिपाठी हीरोइन थी। तो बहुत ही कमाल का एक्सपोजर मिला। और उसके बाद फिर मुझे वहाँ से एक सीरियल का ऑफर मिला, जिसमें मैं ही लीड कर रही थी, बच्ची ही लीड थी, अंजलि नाम था सीरियल का। वो भी सूरत में ही शूट हुई। तो आई डिड दैट ऑल्सो। आफ्टर दैट उन्हीं डायरेक्टर ने मुझे एक और सीरियल ऑफर किया, जो था ईटीवी गुजराती के लिए, नारी तूना हारी। तो क्योंकि हम आज वुमेन्स डे के संदर्भ में मिल रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि बचपन से ही मैंने, थैंकफुली मुझे ऐसे ही सब्जेक्ट्स मिले हैं जिसमें हमेशा नारी जो थी वो कभी भी सपोर्टिंग रोल में नहीं थी। शी वॉज द लीडर, शी वॉज लीडिंग द एंटायर स्टोरी जी। तो उस बात की आज जब मैं सोच रही हूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि सीरियल का नाम ही नारी तू ना हारी था, और दीपशिखा करके एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की, उन्होंने लीड रोल किया था। तो उनके बचपन का रोल मैंने किया था। और धर्मेश व्यास जो कि सूरत से हैं, ही वॉज द लीड मेल एक्टर इन द सीरियल। तो काफ़ी सारा एक्सपोजर मिला। तो पहले मैंने फिल्म की, फिर मैंने सीरियल की, फिर मेरे मम्मी पापा को लग गया डर। बिकॉज आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे हमारा पूरा बैकग्राउंड एजुकेशनल है। मेरे पापा की अपनी स्कूल्स हैं इन एंड अराउंड सूरत, वाइब्रेंट इंटरनेशनल एकेडमी।
मम्मी भी टीचर, पापा भी टीचर, दादा दादी भी टीचर्स. आई कम फ्रॉम अ वेरी स्ट्रिक्ट फैमिली, एजुकेशनल फैमिली. तो मैं हमेशा रैंक कर रही हूँ. फर्स्ट रैंक आता था, सेकंड रैंक ही आता था. मगर क्या हुआ कि जैसे ही ध्यान डाइवर्ट हुआ तो एकेडमिक्स में थोड़ा ऑब्वियसली जो असर होना था वो हुआ. तो मम्मी पापा घबरा गए कि नहीं, अब ये तो गड़बड़ हो रही है. तो उन्होंने मुझसे तब प्रॉमिस लिया कि ठीक है, अगर तुम्हें एक्टर बनना ही है तो तुम्हें ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम पहले अपनी एजुकेशन फिनिश करोगी, फिर ही तुम इस फील्ड के बारे में सोचोगी. जी, तो कहाँ तक किया आपने एजुकेशन? ये सबसे बड़ी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है आपका. तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मी जो हैं उन्होंने संस्कृत में मास्टर्स किया है. मेरे पापा जो हैं ही इज़ अ PhD इन हिंदी लिटरेचर, और मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया. तो उसके बाद सीधा जर्नी हुई पूरी मास्टर्स फिनिश करने तक, क्योंकि एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट था. और थैंकफुली मुझे भी बहुत पसंद था लिटरेचर हमेशा से, भाषा ज्ञान, और क्योंकि घर में ही ऐसा माहौल था जी, तो उस वजह से मुझे भी बहुत शौक था. तो पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता था. सो आई टुक अप लिटरेचर, आर्ट्स में मैंने पढ़ाई की. और कमाल की बात यह है कि सूरत में इंग्लिश मीडियम में आर्ट्स में कोई स्कूल ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर वन, केंद्रीय विद्यालय जो CBSE स्कूल है. तो उस वजह से फिर मुझे गुजरात बोर्ड से CBSE में एडमिशन लेना पड़ा आर्ट्स पढ़ने के लिए, जो कि मेरे पापा का डिसीजन था कि दैट इज व्हाट यू शुड डू. वरना क्या होता है उस टाइम पे, पीयर प्रेशर की वजह से यू वांट टू गो फॉर कॉमर्स और साइंस. खास करके सूरत में ऐसा ही कहा जाता है कि शू ली दू तुम्हें साइंस ना, अच्छा कॉमर्स ना, तो त्रिजू शू हो. मतलब उनके इमेजिनेशन में ही नहीं है कि एक और स्ट्रीम है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इस बात में मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे IAS ऑफिसर्स आर्ट्स से ही बिलोंग करते हैं. बहुत सारे IPS IAS ऑफिसर्स गवर्नमेंट में भी जितने भी लीडर्स हैं, दे ऑल बिलोंग फ्रॉम आर्ट्स. बट दैट इज सैड कि हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं. बट एनीवे, दैट इज हाउ वी स्टार्टेड. और फिर जब मैं बैचलर्स में पढ़ रही थी तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया फ्रॉम बनस्थली यूनिवर्सिटी इन जयपुर, विच इज़ अ विमेन्स यूनिवर्सिटी. तो वहाँ पे आज की डेट में भी करीब 8,000 लड़कियाँ पढ़ती हैं. स्कूल से लेकर बैचलर्स से मास्टर्स से PhD तक सारे कोर्सेज अवेलेबल है. तो और द यूनिवर्सिटी रन्स ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स, तो वहाँ पे हमें कंपलसरी खादी पहनना था जी. उसके अलावा वो भी हैंड वोवन खादी, तो वो एक बहुत ही अलग एनवायरनमेंट था. कोविड में पढ़ने के बाद अचानक आप गर्ल्स कॉलेज में जाते हैं तो माहौल बहुत ही अलग लगता है. थोड़ा जेल वाली भी फीलिंग आती थी. वनस्थली तो सच में वन में ही है और वहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते विदाउट योर पेरेंट्स रिटन परमिशन. तो बहुत अलग माहौल था. वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया यूथ फेस्टिवल में, एंड दैट इज वेयर आई गॉट इंट्रोड्यूस टू थिएटर ड्रामा. तो पहले फिल्म, फिर सीरियल, और फिर मैंने किया थिएटर. जो लाइन आपकी उंधी चली, हाँ थिएटर होना चाहिए, उसके बाद आपकी लोग टीवी पे आते हैं और फिर फिल्में मिलती हैं लोगों को. बट आपका पूरा उल्टा गया कि भाई आपने सीधा कैमरा के सामने ही आप आ गई. हाँ जी, बाद आपने थिएटर का, मतलब ये भी कुछ इंटरेस्टिंग ही था कि पहले आपने डायरेक्टली, मतलब एकदम से जैसे कहते हैं ना कि थिएटर बिना किए थिएटर, और आप सीधा एक्टर बनने गई और वहाँ पहले ही बार में आपको चांस मिल गया कि आपकी मूवी जो थी वो हिट हो गई. तभी एहसास हो गया कि भाई अभी आपको एक्टर ही बनना जी, है जी, जी जी. तो उसके बाद मतलब आपने ऐसे कौन से कलाकारों के साथ आपने मतलब आगे काम किया है, और जो हाइलाइट्स हो, मतलब कि काफ़ी सारे आपने काम किए हैं लेकिन जो आपके लाइफ में जो महत्वपूर्ण रहे हो ऐसे कोई हाँ बताइए. श्योर. उसके बाद जैसे ही ये मैंने थिएटर शुरू किया तो फिर वहाँ पे 3 साल थिएटर करने के बाद यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया, और बनस्थली यूनिवर्सिटी पहली बार 25 सालों में हिस्ट्री क्रिएट हुई कि बनस्थली यूनिवर्सिटी हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट नेशनल लेवल पे हम लोग फर्स्ट प्राइज लेके आए. मुंबई यूनिवर्सिटी को बीट किया. एक्चुअली ऐसा है कि मुंबई यूनिवर्सिटी को बीट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पर प्रोफेशनल इंडस्ट्री है तो एक्टर्स भी प्रोफेशनल होते हैं, और हम लोग अमेच्योर थे, स्टूडेंट्स थे जी. तो वो बहुत ही मुश्किल था, बट वी अचीव दैट. तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आता है, और उस उम्र में वैसे भी हमें लगता है कि हम दुनिया जीत सकते हैं. तो बस वही वाली उम्र थी. एंड देन आई डिड माय मास्टर्स फ्रॉम MSU बड़ौदा.
पर मैं थिएटर को मिस तो कर ही रही थी जैसा कि मैंने बताया, तो वहाँ पे भी एक छोटा सा प्ले हमने किया समुद्र साइकिया करके, हमारे डायरेक्टर थे एसमीज थे, तो एसमीज में स को ख बोलते हैं, तो खमुद्र नाम है उनका। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि उन्होंने ही कल ही मुझे पता चला फेसबुक के थ्रू कि उन्होंने एक एनिमेटेड फिल्म बनाई है जिसको अभी ऑस्कर विनर बताया गया है, दो दिन पहले डिक्लेयर हुआ। सो आई एम वेरी प्राउड टू हैव वर्क्ड विद हिम। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला वहाँ पे भी। और फिर मास्टर्स खत्म करने के बाद आई केम बैक टू सूरत। तो फिर पापा का सपना था कि मेरी बेटी मेरी स्कूल संभाले, तो मैंने कहा कि ठीक है ये भी कर लेते हैं इतना सब किया है तो और आपको पता है कि आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं, तो आप भी चाहते हैं कि आप उनके सपनों साकार करने में मदद करें उन्हें। तो मैंने वही किया, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो एक कीड़ा जो होता है एक आर्टिस्ट का, एक बार आप स्टेज पे चढ़ जाएं और आप वो रोशनी में खड़े हो जाएं, उसके बाद उसको मिस करते रहना होता है और बहुत मुश्किल है उसके बिना जी पाना। तो उस वजह से मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, सूरत में अगर मुझे थिएटर करना हो तो क्या किया जाए। तो उस दौरान मैंने यहाँ पे मुझे पता चला कि कॉलेज है, सार्वजनिक कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स स्कोपा, विच इज़ अफिलिएटेड टू VNSGU, जहाँ पे बैचलर्स कोर्स चल रहा है ड्रामेटिक्स में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में। तब मैंने मम्मी से बात की और मेरी मम्मी ने बोला कि इफ़ यू वांट टू डू दिस यू शुड रियली रियली गो फॉर दिस, वरना मैं नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं स्कूल मैनेज कर रही थी तो पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता था। बट थैंकफुली वो इवनिंग कॉलेज थी, तो सुबह आई वुड वेक अप एंड गो टू द स्कूल, और स्कूल से फिर 5-6 बजे फ्री होने के बाद आई वुड गो डायरेक्टली टू द कॉलेज, और कॉलेज में फिर मैंने एडमिशन ले लिया फाइनली, मतलब एडमिशन ले लिया मतलब एक मास्टर्स करने के बाद मैंने फिर से दूसरे बैचलर्स में एडमिशन लिया क्योंकि वहाँ पे मास्टर्स अवेलेबल ही नहीं था, सिर्फ बैचलर्स था। तो मैंने सोचा मुझे तो सीखने से मतलब है, डिग्री ये तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, तो मैंने एनरोल किया और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ सूरत में थिएटर का। क्योंकि SMC ही है जो एक ऐसी कॉरपोरेशन है पूरे एशिया में जो कई सालों से, पिछले आई थिंक इट्स अबाउट टू बी 48 ईयर्स से लगातार हर साल एकांक नाट्य स्पर्धा करती है, त्रिअंकी नाट्य स्पर्धा। तो ये भी एक बहुत बड़ा मौका था सूरत के एक्टर्स के लिए कि अपनी प्रतिभा जहाँ हम दिखा सकते हैं। तो उस तक पहुँचने के लिए मैंने स्कोपा में एडमिशन लिया था, और ऐसा हुआ कि एडमिशन लेते ही तीसरे ही दिन मुझे कपिल देव शुक्ल सर हैं जो कि बहुत ही बड़े सूरत के बहुत ही जाने माने वो कलाकार है, बहुत ही जाने माने राइटर डायरेक्टर रह चुके हैं वो, तो उन्होंने मुझे अपने प्ले में एक छोटे से रोल के लिए मौका दे दिया। बस 10 मिनट का ही रोल था, कोई खास बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर मेरे लिए तो मुझे पहला मौका मिल गया, यही बहुत बड़ी बात थी। अब इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि कंपटीशन में जहाँ बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलता है तो उसमें आमतौर से ऐसा होता है कि जो लीड रोल्स कर रहे होते हैं उन्हें ही ये अवार्ड दिया जाता है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि मेहनत उसमें ज़्यादा होती है। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का रोल था मगर मुझे फिर भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया। क्या बात है तो और भी आपको मतलब जुनून आ गया, और मुझे ऐसा लगा कि अब तो यही करना है मुझे। जी बिल्कुल यही लगा मुझे उस दौरान। क्या हुआ फिर एक और कॉम्पिटिशन आती है जो होती है बॉम्बे में, चित्रलेखा नाट्य स्पर्धा है। चित्रलेखा एक बहुत ही जानी मानी, आपको तो पता ही होगा, मैगजीन है कई सालों से, बहुत अच्छी लीडरशिप है उनकी। तो उनके द्वारा आयोजित एक कंपटीशन होती है बॉम्बे में, ये बॉम्बे में होती है इसलिए इसका महत्व और भी ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री के काफी सारे एक्टर्स डायरेक्टर्स आपको देखने आते हैं। तो वहाँ से मौके मिलने के रास्ते खुलने के तरीके बहुत हैं। अब कमाल की बात ये हुई कि वहाँ पे भी मुझे बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड दिया गया छोटे से रोल के लिए, तो मैं तो बिल्कुल सातवें आसमान में थी। और ना सिर्फ इतना, वहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि कैश प्राइज भी दिया गया। आमतौर पे सिर्फ ट्रॉफी मिलती है तो हम खुश होते हैं, पर वहाँ पे मुझे 15,000 रुपये का कैश प्राइज दिया गया। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि नाटक से पहली बार कोई इनकम हो सकती है, ऐसा सोचना भी मेरे लिए नई बात थी। तो बहुत खुशी हुई इस बात की। तो तब कहीं ना कहीं ये बीज मन में था कि हाँ क्या हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, मगर ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर अ फीमेल एंड आई वाज ऑलरेडी वर्किंग, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया।
कि सुबह से जाती थी मैं स्कूल मैनेज करने के लिए, फिर शाम को मैं जाती थी कॉलेज पढ़ने के लिए, और कॉलेज ख़त्म करने के बाद रात को 9 बजे हम जाते थे रिहर्सल्स के लिए, और ये रिहर्सल्स चलते थे रात के 9 से रात के 1 बजे तक। फिर घर आते आते आप सो रहे 2-2.5 बज रहे, फिर सुबह यू आर वेकिंग अप एंड गोइंग बैक टू स्कूल। तो दिस इज द एंटायर साइकिल दैट वाज गोइंग ऑन। मतलब एक्टर बनने के लिए काफ़ी कुछ आपने किया, और जिस तरह से एक्टर बनने के लिए आपने जो सफ़र किया, और आज भी सफ़र के साथ एक स्ट्रगल की बात होती है कि जब कोई भी एक्टर बनना चाहता है तो इनको कितनी स्ट्रगल और कितना सफरिंग करना पड़ता है, वो आज आपकी बातों से हमने जाना। हाँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो ऐसा पूछते हैं कि हमें भी एक्टर बनना है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि कैसे बना जाएगा, क्या करना है, कहाँ ऑडिशन देना है। आई विश कि इतना इजी होता, मगर ये नहीं है इतना आसान। जी, बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो आपने मेरे ख्याल से 6-7 साल की ये आपकी जर्नी रही। जी हाँ, मतलब जो पहला मैंने प्ले किया था, जो जिसके बारे में मैंने अभी बताया, वेशा की गोयल, दैट वाज अराउंड 6 years back। और उसके बाद माइलस्टोन प्ले जो बना वो था मीरा। जी, तो शायद आपने देखा हो, तो बहुत ही प्यारा किरदार था उसमें, जिसमें अगेन चित्रलेखा नाट्य स्पर्धा में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तो आप मुझे पूछ रहे थे कि आपने किन किन लोगों के साथ माइलस्टोन आपको काम करने का मौका मिला, तो उसमें यही हुआ कि मीरा की वजह से, जो चित्रलेखा में मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला फिर से दोबारा आफ्टर वर्षा की कोयल, तो उस वजह से बॉम्बे के लोगों में थोड़ी बात चली कि अच्छा सूरत में कोई है ऐसे जिनको यहाँ पे बुलाना चाहिए, और ऐसे करके मुझे अपना बॉम्बे का पहला प्ले मिला। इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि प्ले का नाम है 7 तेरी 21 और 7 तिया 21 हिंदी में। खूबसूरत बात यह है कि हमने हिंदी और गुजराती दोनों में किया है, और अभी फिर से जून में हम इसका पृथ्वी थिएटर में शो करने वाले हैं। वाह, क्या बात है। तो आप लोग जो भी सुन रहे हैं प्लीज़ आइएगा देखने। तो ये जो प्ले था इसमें 7 एकोक्तियाँ थी, 7 अलग अलग मोनोलॉग्स जो 7 अलग अलग फीमेल्स द्वारा परफॉर्म होते हैं, इसलिए खास आज इसके बारे में बताना मैं चाह रही हूँ। जी, बताइए बताइए। और फीमेल की जो डिज़ायर्स हैं अलग अलग, हमारी जो इच्छाएँ जिनके बारे में हम बात नहीं कर पाते, ऐसी 7 अलग महिलाओं की कहानियाँ, इंस्पायरिंग स्टोरीज का एक झुंड है ये 7 तिया 21। 7 राइटर्स, 7 एक्टर्स और वैसे 7 डायरेक्टर्स भी होते हैं सीज़न 1 और सीज़न 2 में, लेकिन ये हमारा सीज़न 3 था, इसमें एक ही डायरेक्टर थे। स्कैम 92 के लीड एक्टर प्रतीक गांधी। जी, तो प्रतीक गांधी हमारे डायरेक्टर थे। ये उनका पहला ही प्ले है जो उन्होंने डायरेक्ट किया है, उसके बाद अभी तक उन्होंने कोई प्ले डायरेक्ट नहीं किया। अब तो पूरा विश्व उनसे वाकिफ हो चुका है। जी बिल्कुल। तो आई एम अगेन आई फील वेरी प्राउड कि मैंने उनके साथ काम किया है, मौका मिला मुझे ये करने का। तो उसमें जो मेरा मोनोलॉग था उसका नाम है तोरल जोशी टिंडर। टिंडर के बारे में शायद अब आप लोगों को पता होगा, एक डेटिंग ऐप है जो अमेरिका से यहाँ पे आया इंडिया में, अभी अभी पॉपुलर हो रहा है। तो ये वाली जो कहानी है इसमें तोरल नाम का जो किरदार है जो मैं निभाती हूँ, वो बात कर रही है द डिज़ायर ऑफ सेक्स के बारे में, जिसके बारे में हम आमतौर पर कभी बात नहीं करते। जब शादी हो जाती है तो अगर एक मेल अनसेटिस्फाइड है अपनी लव लाइफ से या सेक्सुअल लाइफ से, तो वो सबको बता के, घर वालों को बता के वो लोग डिसीजन ले लेते हैं कि मुझे नहीं जम रहा है इस शादी में, या मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन यही चीज़ अगर फीमेल के साथ होती है तो उस बारे में कोई कभी बात नहीं करता। ये कॉन्वर्सेशन कभी होती ही नहीं है। इतनी हद तक हम इस में जकड़े हुए हैं समाज में कि मैं अपनी मम्मी से भी शायद इस बारे में बात नहीं कर सकती, क्योंकि वो जजमेंटल होते हैं लोग, एम्बेरसिंग हो जाता है, हमें बताया नहीं जाता कि इस बारे में बात करी कैसे जाए, कैसे बात की जाए, कैसे आप जता सकते हैं कि आपकी भी कुछ इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। तो इतने सेंसिटिव, इतने इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे ये मोनोलॉग है, बट इसकी खूबी है कि ये कॉमेडी में पूरा वोवन है, तो जब आप तक बात पहुंचती है तो आपके दिल पे लगती भी है, बट आपके आपको एक स्माइल के साथ आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको मौका मिले तो प्लीज आइएगा जरूर देखने। और इसी प्ले की सबसे बड़ी बात ये भी है कि पृथ्वी थिएटर जो बॉम्बे में है,
उसे हम मक्का मदीना मानते हैं एक्टर्स का, हर एक्टर का सपना होता है कि हम वहाँ परफॉर्म करें, तो सबसे अच्छी बात यह कि मैंने कभी पृथ्वी थिएटर में प्ले देखा ही नहीं था. मेरा बहुत बड़ा एक ड्रीम था कि मैं बॉम्बे जाऊँ, पृथ्वी थिएटर में नसीर साहब को परफॉर्म करते हुए देखूँ, नसीरुद्दीन शाह का प्ले देखूँ. मगर उससे पहले मुझे वहाँ पे खुद परफॉर्म करने का मौका मिल गया. तो ये बात मतलब आपके सामने एक के बाद एक ऐसा मौका आता गया कि आपको लगा कि अभी आपका जन्म एक्टर बनने के लिए ही हुआ है. जी बिल्कुल. ऐसा बोल सकते हैं, छोड़ना भी चाहा लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आती गई और आपको लगा कि नहीं अभी यही मेरे लिए फिट है और यही मैं करूँगी. और ये गुजराती एक्टर, मतलब कि हमारे गुजरात का गौरव हम कह सकते हैं कि एक्टर बनना आसान नहीं है और एक्टर बनने के बाद भी इतनी आसानी नहीं है, क्योंकि लोगों के सामने आते रहना, लोगों के बीच में रहना, लोग भूल ना जाए, इनका ध्यान रखना, ये सब भी बहुत कुछ माइंड रखता है. अभी काफ़ी सारे एक्टर्स भी है कि बहुत अच्छे काम करने के बाद भी आज घर पे बैठे हैं, ऐसा भी हो सकता है. क्योंकि बहुत सारी मतलब जर्नी की बात सब लोग करते हैं लेकिन उन्होंने जहाँ से शुरुआत की और वहाँ से आज तक मतलब अभी तक वो टीके रहे, वो ही बहुत इम्पोर्टेंट चीज़. नहीं, आपने बिल्कुल सही बात कही जी. इसी वजह से क्या होता है ना कि एक एक्टर के लिए स्पेशली, कोई भी आर्टिस्ट हो, डांसर, सिंगर, आर्टिस्ट की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है. इसी वजह से मुझे भी ये डिसीजन लेना पड़ा था कि जब मैं पापा के साथ स्कूल मैनेज कर रही थी उसके बाद मुझे महसूस हुआ कि ये सब तो मुझे थाली में परोस के दिया गया है जी. तो क्या ही मुझे ले लेना चाहिए या फिर मुझे अपना शेयर ऑफ स्ट्रगल करना चाहिए. तो मुझे लगा कि मैं तुरंत पास, मैंने मास्टर्स पास किया और मैं बॉस बन गई. तो मैंने कभी एम्प्लॉय बनना कैसा होता है वो मैंने कभी फील नहीं किया था. तो मुझे लगा कि वो एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए, तभी मैं ज़्यादा समझ पाऊँगी कि मैं जो मेरे एम्प्लॉयज़ है उनको क्या फील होता होगा जी. इस वजह से मुझे उस वक्त ऑफ़र मिला गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाने का, तो मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया और तब से फिर मैं लेक्चरर भी बन गई थी. तो स्कूल मैनेज करना, यहाँ पे लेक्चर्स लेना, पढ़ना शाम को, फिर मैंने मास्टर्स में भी एनरोल कर लिया ड्रामेटिक्स के मास्टर्स में. तब तक कॉलेज में मास्टर्स शुरू हो गया था जी, तो मैंने उसमें भी एडमिशन ले लिया और साथ में रात को जो हम रिहर्सल करते थे प्लेज के लिए वो भी चल रहा है. अब ये सब एक साथ चल रहा है. उसके बाद मैंने फिर से एक और इंटरव्यू दिया वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में, VNSGU में, जहाँ पे मैं इंग्लिश पढ़ा रही थी अगेन. तो ये एक अलग ही जर्नी चल रही थी. अब ये इसीलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि मैं जो थिएटर कर रही थी वो सिर्फ कंपटीशन के लिए कर रही थी, तो उसमें से कोई भी कमर्शियल गेन नहीं होता जी. तो अगर आप सोचे कि मैं सिर्फ थिएटर करूँ और इस पर सर्वाइव करूँ तो ये बहुत ही मुश्किल था. स्पेशली सूरत जैसे शहर में जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कमर्शियल गेन के लिए थिएटर के फील्ड में से. या फिर मैं कई फ्रेंड्स को जानती हूँ जो परफॉर्मिंग आर्ट्स कॉलेज में डांसर्स हैं या सिंगर्स हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है सर्वाइव कर पाना फाइनेंशियली. तो इसीलिए साथ में मैं ये सजेस्ट भी करूँगी कि एक ऑल्टरनेटिव करियर साथ में होना चाहिए जी. तो इससे ये होगा कि हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा जी. और जो हमारे पास ऑफर्स आते हैं काम के लिए उसमें से हम चूज़ कर पाएंगे कि हमें ये करना है ये नहीं करना है जी. वरना ये होता है कि जो भी आता है वो हमें करना ही पड़ेगा. क्योंकि हम फाइनेंशियली उस पे डिपेंडेंट है. तो अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि एज अ वुमन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भले आप शादीशुदा हों या ना हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आई थिंक स्पेशली अभी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. जबकि दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जब शादी के बाद भी दोनों जन अगर कमाएं तो इससे बेहतर कुछ नहीं है. लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती ही जा रही है. तो इस वजह से ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन था कि मैं पढ़ा रही थी. मगर जैसा कि आपने कहा कि अपने आप ऐसी चीज़ें आती गई जो मुझे उस तरफ खींचती गई, तो वैसे ही मुझे फिर कमर्शियल नाटक का ऑफर मिला बॉम्बे से. अब मुश्किल बात ये थी कि इसके लिए मुझे बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ता क्योंकि रिहर्सल्स वहाँ पे होते हैं, शोज वहाँ पे होते हैं. तो अब आई थी मुश्किल घड़ी ये डिसाइड करने की कि क्या मैं कॉलेज में पढ़ाना कंटिन्यू करूँ और अपने ड्रीम को छोड़ दूँ, या फिर मैं कम्प्लीटली एक्टर बन जाऊँ, थिएटर करूँ और बॉम्बे शिफ्ट हो जाऊँ. क्या लगता है आपको मैंने क्या किया होगा?
आप बॉम्बे शिफ्ट हो गए। जी बिल्कुल सही जवाब तो यही होगा क्योंकि मेरा क्योंकि सपना आपका था, सपना ही था, जी ड्रीम ही था बिल्कुल, और आपको वहीं जाना था तो आप वही चूज करते कि इतनी, और ये नेचुरल भी बात है कि इतनी स्ट्रगल के बाद अगर आप आपका ड्रीम ही नहीं पूरा कर सकते तो इतनी जर्नी करने का कोई मतलब कोई मतलब ही नहीं है। एग्जैक्टली और बहुत सारे ऑफर्स को मैं मना कर चुकी थी, आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट ऑफर, और वो एक राइट ऑफर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर मिला मुझे। एक वर्षादी सांझे करके एक प्ले किया मैंने, जिनमें एक बहुत ही अच्छे उम्दा डायरेक्टर हैं बॉम्बे के, सुरेश राजड़ा, उन्होंने लिखा था और डायरेक्ट भी किया था, और उनके साथ काम करने का मौका मिला। एक सस्पेंस थ्रिलर स्टोरी थी एक वर्षादी सांझे करके, काफ़ी अराउंड मोर देन 75 शोज किए हमने गुजराती में, ऑल ओवर गुजरात एंड इंडिया, तो वो भी बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस था। मेरा पहला कमर्शियल प्ले था जिसमें से इनकम फाइनेंशियल गेन भी हुआ आया, मैंने अपने आप आई रेंटेड अ प्लेस इन बॉम्बे और वहाँ रहना शुरू किया, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं थी। जब काम है तब आपके पास पैसा है, जब काम नहीं है तो कुछ नहीं है, एंड ऑल यू कैन डू इज वेट, वेट फॉर द राइट ऑफर, वेट फॉर द राइट वर्क। तो जैसा आपने कहा कि ये जो कॉन्स्टेंटली दिखते रहना, इसका भी प्रेशर बहुत है कि आप जैसे ही दिखना बंद हो जाएंगे लोग आपको भूल जाते हैं। तो जो सिचुएशन उसी में यही है जी। तो बहुत अच्छी तुषारिका, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से आपकी जर्नी आपने शेयर की हमारे साथ, तो आज तो सबको पता चल ही गया होगा कि एक एक्टर बनना कितना मुश्किल है, आसान नहीं है, वो भी एक वुमन्स अगर इस फिल्म में जाना चाहती है तो इनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, परिवार के साथ भी कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ये सब के साथ वो, और उसका उनका जो सपना होता है एक्टर बनने का, वो कहाँ पूरा होता है, कैसे पूरा होता है, वो आज तुषारिका की बात सुन के हमें लगा। तो हम मिले थे गुजराती एक्टर तुषारिका राजगुरु, जो एक सूरत की अपनी पहचान है, सूरत का नाम रोशन करती है, और हम चाहेंगे कि ज़रूर तुषारिका आप और आगे बढ़ो, और सूरत का नहीं अपने परिवार का, अपने गुजरात का, अपने भारत का, इंडिया का नाम आप रोशन करो, और जिस तरह से आपको अवॉर्ड मिलते गए और भी अवॉर्ड्स आपको मिलते रहे, ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ जी। थैंक यू सो मच। हाँ, इस बात पे मैं ये कहना चाहूँगी कि इसमें मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट था, जैसा कि आपने कहा, बिना उनके सपोर्ट के बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, खास करके मेरी मम्मी जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग वुमन है अपने थॉट से, उन्होंने मुझे हमेशा बहुत ही सपोर्ट किया और मेरा पिलर बन के हमेशा खड़ी रही हैं कि जी, नहीं बेटा डरना नहीं है, आगे बढ़ो, करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ रोल्स ऐसे होते हैं जिनको करने में हिचकिचाहट होती है कि क्या ये करना चाहिए, क्योंकि मैं एक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मैं पढ़ाती भी थी कॉलेज में, तो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो मेरे टच में हैं, तो कई सारे सवाल होते हैं जब आपकी मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं सोसाइटी में कि क्या ये मेरे लिए ठीक होगा। उस समय पे मेरी मम्मी मुझे बहुत क्लैरिटी देती हैं कि आप एक एक्टर हैं तो आपको उसी हिसाब से सोचना है, अगर हम इस तरीके से सोचेंगे तो फिर जर्नी और भी ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी। जी, 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 तो इस तरीके का जो आपने कहा कि एक स्त्री होके इस फील्ड में आना, तो ये सारे चैलेंजेस भी हैं, प्लस क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड फील्ड है तो आपको हर कदम पे सिर्फ पुरुष ही मिलने वाले हैं, तो उनको भी इस बात से बहुत दिक्कत होती है कि कोई महिला आगे आ जाए, महिला आई है कल की आई हुई छोटी उम्र में, छोटी एक्सपीरियंस में छोटी लड़की मेरे सामने आके ये करेगी, ऐसे भी कई सारे एक्सपीरियंसेस, कई सारे तो नहीं बट हाँ एक दो एक्सपीरियंसेस हुए मुझे, बट इट इज ऑल लर्निंग आई थिंक। तो उससे आप और स्ट्रांग बनते हो और सीखना आपको बहुत कुछ मिल जाता है, और जैसे जैसे आप स्ट्रांग होते जाते हो इस तरह से फील्ड में आप बहुत आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि अनुभव ही हमें आगे लेके जाता है। ये आप तो बिल्कुल जानते ही होंगे, आप भी इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, एंड बीइंग अ वुमन आपने भी, आई कांग्रेचुलेट यू आल्सो कि आपने इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक आपके चैनल को पहुँचाया है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। जी बहुत ही अच्छी बात है तुषारिका, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिल के, और जो हमारा शो है कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और वो आज हमारे साथ थी तुषारिका राजगुरु, जो गुजराती एक्टर है और काफ़ी
फेमस है हमारे सूरत के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप वर्ल्ड वाइड फेमस हो. ऐसी शुभकामना के साथ हमारे ये शो में हम नेक्स्ट एपिसोड में वापस मिलते हैं. तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड, जो सोशल मीडिया पे हमारी ये चैनल है यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल पे आप हमारे साथ जुड़े रहिए. ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए नमस्कार. थैंक यू.